पिशावर जलौन उत्तर प्रदेश से है। युवक की पत्नी अपने भाई के साथ जेवरात और नकदी लेकर हुई रेफो चक्कर। पति ने तहरीर देकर पत्नी के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। पति का कहना है कि पत्नी आए दिन करती थी झगड़ा। पत्नी ने अपने भाई को बुलाकर सास बहन का जेवरात और नकदी 1,00,000 रुपए देकर चली गई मायके, जिसके चलते युवक विजय सिंह ने रामपुरा थाने में दी तहरीर। युवक की शादी इटावा जिले के बिजोली गाँव में हुई थी। मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के गौराबी चिरैया का बताया जा रहा, जहां पर बता दें कि पति ने तहरीर देकर पत्नी के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। प्राइम की न्यूज चैनल के लिए डॉक्टर विनोद कुशवाहा, जालौन उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप और क्या है इनकी, कौन लगती हैं आप? अच्छा, क्या हुआ, क्या मामला है आपका? हम क्या हुआ? हमारा भाई बाहर थे, हमारी मम्मी घर में थी और हमारा बस भाई था घर में और पापा थी और कोई नहीं था, और हम अपने छोटे भैया के साथ में बाहर थे। बस ऐसी मम्मी के साथ में लड़ाई झगड़ा किया और रात को 2 बजे रात को निकल गई। हमारे पास फोन गया कि वो जेवर तुम्हारा लेके और मम्मी का और पैसे ऐसे लेके वे लोग चुपचाप से फरार हो गए लेके उसको। अच्छा, हम इधर आए तब हमने भी अपनी कंप्लेंट लिखाई, उसके भाई से फोन किया तो उसका भाई हमको गाली गलौज कर रहा है, गंदी गंदी गाली देता है, कहता है उठवा लेंगे, और हमारे भाई से भी कहता है हम गाड़ी चढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर, जान से मार देंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी। आपका कहाँ है, आपकी ससुराल कहाँ है? हमारी ससुराल है खड़गोईपुरवा। अच्छा, पति का क्या नाम है आपके? अच्छा, कब से यहाँ रह रही हैं? मायके 4 साल से रह रहे हैं, लेकिन हम अपनी बाहर रहती भाई के साथ में काम करते हैं। अच्छा ठीक। हम आपको क्या नाम? गुड्डी। किस गांव की हैं आप? गोरा। अच्छा, क्या मामला है, आप क्यों रो रही हैं? क्या कर रहे हैं? सब जेवरात चलोगा। कौन ले गया? बहू। क्यों ले गई, क्या कारण था? अब अलग रहती थी, हमें तो कुछ पता नहीं, आसपास लगे थे और हमने जान नहीं पाई। हम तो जानते ऐसी डोल रही है अकेले, वो हमने केऊ दाए कानों के वारा लगाए 3-4 दाए अकेले साहब, हमने जान ही नहीं पाई कि क्या होने वाला है। बाहर गुंडा लोग लगे थे। कहाँ की रहने वाली है बहू आपकी? बिजौली की। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है ये बिजौली, किस जिला में? बकेबाग के पास है। अच्छा, तो क्या क्या जेवर था आपका, कितना होगा लगभग में, कितने पैसे का जेवर होगा लगभग? 1.5 लाख का ब्याह में बनवाया था बच्चे की। अच्छा, आपकी बहू थी वो? हाँ। नाम है तुम्हारा? विजय सिंह। पिताजी का क्या नाम है? रामा। किस गांव के निवासी हैं आप? ग्राम गोरख रही है। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारी पत्नी है जो रात को 2 बजे 3 तारीख को लेके फरार हो गई सब जेवर लगता। अच्छा जी, वो केस की धमकी दे रहे हैं बार बार। अच्छा, हम केस कर देंगे वहाँ जाओ तो, पिछली बार भी 1-2 बार ऐसा कर चुकी है। अच्छा, पिछली बार भाग चुकी, पिछली बार समझौता करके 50,000 रुपये दे के हम दिवाला आई थी, फिर इसके बाद 1 साल रही, उसके बाद फिर भाग गई इस टाइम। अच्छा, अब फिर बोल रही है कि हम केस डाल देंगे, फिर पैसे देंगे, जान से मार देंगे, उनके भाई दे रहे हैं धमकी। अच्छा, हम जान से मार देंगे। क्या नाम है आपकी पत्नी का? वंदना देवी। बच्चे भी हैं आपको? ना, बच्चे भी, एक लड़का है, एक लड़की है। क्या क्या नाम है? फिरांसी पीयूष। अच्छा जी, तो क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है? बस उनका यही चाल चलाना है, उनके घर वाले माँ उनकी बहकाती है, बस बुला लेती है, गंदे काम करवाती है वहाँ। अच्छा जी, तो आपने कहा नहीं कि घर पर रहिए? एक बार गए हैं तो हमारे माता पिता लेने के लिए भी गए हैं तो मारते कूटते हैं। अच्छा, कितना जेवर ले गई और क्या कितने पैसे? माँ का जेवर ले गई, हमारा भी जेवर ले गई, 1,00,000 रुपए गाड़ी के बेची हुई टेम्पो के पैसे ले गई। अच्छा जी, ठीक है।